वीडियो के माध्यम से यहाँ पर हूँ, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया गया है और कई मुसीबतें कई मुश्किलात इस शहर में आ गई हैं, इसलिए हमारा चर्च बंद हो गया है जहाँ से हम आपको मिलते थे। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपको घर से मिल रहा हूँ और एक नए विषय के साथ और एक नए विचार के साथ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, सब लोग आशीषित होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, प्रार्थना रहिए, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहिए, ताकि हम अपनी सुरक्षा अपने आप कर सकें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि भी दी है। प्रार्थना के साथ साथ हमें अपनी सुरक्षा भी करनी है और अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सुखी रहें और आनंदित रहें। हालेलुया। आज का जो वचन मैं आपके लिए लेकर आया है बहुत अद्भुत है और बहुत यूनिक है और आपको बहुत पसंद आएगा। जो विश्वासी हैं और जो विश्वासी नहीं हैं, उन सब के लिए ये वचन है। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं, जब यीशु मसीह में हम अपने आप को समर्पित करते हैं, और आप सब जानते हैं कि हमें बपतिस्मा के बाद एक नया जीवन मिलता है, एक अनंत काल का जीवन मिलता है, और हम एक पूरी तरीके से विश्वास में उस आशा के साथ जीवन बिताते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे जब यीशु मसीह उस गुप्त आगमन में आएगा बादलों पर सवार होकर और हमको उठाएगा। ये सत्य है और ये बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने कभी सोचा है कि आप स्वर्ग जाके क्या करेंगे? कभी आपने सोचा कि आपकी स्वर्ग में स्थिति क्या होगी, आपकी स्वर्ग में पदवी क्या होगी, आप स्वर्ग में क्या करेंगे? हमने बहुत बार सुना होगा कि हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, संगति करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, बाइबल बताती है कि स्वर्ग में भी आपके लिए प्रतिफल निश्चित है। यस, प्रतिफल, मुकुट आपके लिए निश्चित है। बाइबल में कई मुकुट्स के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा, और ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके जहन में, अगर आपके दिलो दिमाग में, अगर आपके मन में, अगर आपके आशा में ये होगा कि मुझे मुकुट पाना है, तो हम धरती पर वो जीवन बिताएंगे, हम धरती पर वो काम करेंगे जिसकी वजह से, जिसके प्रतिफल से हमें वो मुकुट मिलने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जैसे पौलुस कहता है कि दौड़ते तो सभी हैं, जो जो जीवन की दौड़ दौड़ते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हालेलुया। अपने आप अपने सेल्फ कंट्रोल को भी बना के रखते हैं, लेकिन उनको कौन सा मुकुट मिलता है? जो नाश होने वाला है। लेकिन हमें वो मुकुट मिलता है, हमें उस मुकुट के लिए दौड़ना है जो नाश नहीं होगा, जो अमिट होगा। हालेलुया। और जो हमारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आज आपको 6 मुकुट के बारे में बताऊंगा, और ये किन किन कामों के बारे में मिलेंगे आपको, इसके बारे में बताऊंगा। तो आपको किस तरीके से हमें जीना है, मैं सच कह रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन, हमें उस जीवन को जीना है जो यीशु मसीह ने हमको दिया है। हमें यूं ही अपने जीवन को नहीं गुजारना है, हमें उस कीमती बहुमूल्य जीवन को जो अनंत काल का है, जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमें दिया है, उस जीवन की कीमत को समझना है, ताकि वो जीवन हम जिए जो नई सृष्टि का है, और जिसमें हमें स्वर्गीय चीजों का ही ध्यान करना है। हमें इन चीजों की तरफ देखना है जो स्वर्गीय है। हालेलुया। हमें संसारी चीजों की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि संसार से तो हम आए, संसार से तो हम आए हैं, और संसार से हम क्यों आए? क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है। हालेलुया। और जैसे हम यीशु मसीह में आते हैं, हमारा विश्वास मुकम्मल और दृढ़ हो जाता है, और वही विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारा जीवन क्या है, एक मसीह का जीवन क्या है? विश्वास से विश्वास की ओर हमें आगे बढ़ना है, संदेह से विश्वास की ओर आगे नहीं बढ़ना। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हमें विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ाना है, और हमारा विश्वास ये कहता है, प्रभु का विश्वास ये कहता है, विश्वास का वरदान ये कहता है कि स्वर्ग में जो मुकुट रखा है उसे मुझे पाना है, उसे मुझे पाना है, और उसे पाने में मेरी सहायता कौन कर रहा है? परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की आत्मा, और मेरा विश्वास जो मुझे मिला है, उसकी धार्मिकता जो मुझे मिली है, वो मेरा साथ दे रही है कि ताकि मैं वो काम करूं, उन वचनों के साथ चलो कि जब मैं स्वर्ग में जाऊं तो मुझे मुकुट मिले। मैं यूं ही ना जाऊं, परमेश्वर मुझे मेरे नाम से पुकारे, परमेश्वर कहे कि अनिल मैं तेरे लिए मुकुट रखा हुआ है, वो मुझे मुकुट दिखाए, वो मुझे मुकुट पहनाए, वो पल आए, ताकि हम वो काम करें इस धरती पर। हम बहुत ही अमूल्य है, हम बहुत ही कीमती हैं। आप नहीं जानते कि आप कौन है, आपकी कीमत क्या है। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, इसीलिए उसने अपनी आत्मा आपको दी है। आप नहीं जानते, हम छोटे मोटे झगड़ों में, छोटी मोटी दुख में, मुसीबत में हम डर जाते हैं और हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन नहीं,
चाहे कैसी मुसीबत हो, चाहे कैसा पहाड़ आए, चाहे कैसी चट्टान आए, चाहे कैसी रुकावट आए, हमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ना है क्यों? क्योंकि वो मुकुट हमारा इंतजार कर रहा है, हमें उस मुकुट को पहनना है। हमें यही जाके खड़े नहीं होना है, हमें यही परमेश्वर के सामने नतमस्तक होना है, हमें परमेश्वर के सामने नतमस्तक होना है, उसके उसके सिंहासन के सामने बैठना है, लेकिन मुकुट के साथ, लेकिन मुकुट लगा कर। हालेलुया, सोचिए वो पल कितना अच्छा होगा जब हम परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होगा और एक मुकुट हमारे सर पर आएगा। हालेलुया, और वो हमें हमारे नाम से पुकारेगा, कितना अच्छा होगा। लाखों करोड़ों की भीड़, वो विश्वासी जो लाखों करोड़ों होंगे उनके सामने आपका नाम लिया जाएगा। हालेलुया, आपके नाम का मुकुट होगा और अनाउंस किया जाएगा कि इस भाई ने, इस बहन ने क्या किया है धरती पर जिसके लिए इसको मुकुट मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्ग में यीशु के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा हमको मुकुट मिलेगा। उसकी सात आत्माएं होंगी, 24 प्राचीन बैठे होंगे और उन सब के सामने हमें मुकुट मिलेगा। सोचिए वो पल कितना अच्छा होगा, वो पल कितना मनमोहक होगा। क्या आप वो पल देखना चाहते हैं? मैं अभी से देख रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उस पल के लिए जी रहा हूँ कि मैं जाऊँ और परमेश्वर का आशीष पाऊँ और मुकुट पाऊँ। तो आज मैं मुकुट के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से मुकुट आपको मिलने वाले हैं। और मैं विश्वास करता हूँ अगर ये संदेश आपने अंत तक सुना तो आप भी अपने जीवन को उसी तरह बिताएंगे कि हम मुकुट के लिए जिए, उस मुकुट के लिए जिए जो अविनाशी है, जो अमिट है, जो हमें स्वर्ग में मिलने वाला है और हमारे लिए सुरक्षित है। उस मुकुट के लिए हमें इस धरती पर अपने बकाए जीवन को जीना है और परमेश्वर के वचनों के द्वारा चलना है। वो विश्वास, वो शक्ति आपके साथ है। हालेलुया, तो पहला मुकुट किनको मिलेगा जो उसके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं? पहला मुकुट उसको मिलेगा जो उसके आगमन की प्रतीक्षा प्रेम से करते हैं। यीशु आने वाला है, आप सब जानते हैं, यूहन्ना 14 में बताया गया है, यीशु ने खुद कहा है कि मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए रूम तैयार कर रहा हूं, रहने की जगह तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं, फिर मैं आऊंगा और तुमको लेकर जाऊंगा। हालेलुया, यानी कि जब वो आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके जिस तरह गया है स्वर्गदूत जो उस आपका जैतून के पर्वत पर, जब यीशु मसीह गया था अपने चेलों के साथ और जब स्वर्ग उसका हुआ का स्वर्ग रोहण हुआ, तो उसी समय अपने दूत भी आ गए, स्वर्गदूत भी आ गए और उन्होंने क्या कहा था आपको याद है कि जिस तरीके से तुमने यीशु मसीह को जाते हुए देखा है उसी तुम बादलों पर सवार होकर आता हुआ देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए बाइबल कहती है कि पहला मुकुट उनको मिलेगा जो उसके आगमन से प्रेम करते हैं, जो इंतजार करते हैं कि मेरा यीशु आने वाला है, मेरा यीशु आने वाला है और वो हम सबको लेके जाने वाला है। जब आप उसके आगमन से प्रेम करेंगे तब आप वो जीवन जिएंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। यही तो परमेश्वर की इच्छा है, यही तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक प्रार्थना सिखाई थी, जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर पूरी हो। यही वो इच्छा है जो परमेश्वर की है कि वो आए और अपने बच्चों को लेकर जाए, अपने चुने हुओं को लेकर जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस मुकुट के इंतजार में रहें, और वो मुकुट कब कौन सा है कि हम उसके आगमन से प्रेम करते हैं। वो आगमन, वो आने वाला है, यानी कि हम एक दुल्हन बनकर उसका इंतजार कर रहे हैं। किसको लेके लेने वाला है वो दूल्हा? किसके लिए आ रहा है? एक दुल्हन के लिए। हमें दुल्हन बनकर उसका इंतजार करना है, कहीं कोई छीट, कोई धब्बा हमारे ऊपर ना आए, कोई पाप जो हमारा निकल चुका था वो पाप हमारे ऊपर ना आए। हम पवित्रता के साथ उन दियों को लेकर उसका इंतजार करें दुल्हन बनकर, क्योंकि वो आने वाला है। और वो हम कब कर सकते हैं? जब हम उसके आगमन से प्रेम करेंगे, उसके आगमन का इंतजार करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम महसूस करेंगे, जब हम हर पल महसूस करेंगे कि यीशु आने वाला है और वो हमें लेके जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो शक्ति आपको दृढ़ करेगी, उसके आगमन से प्रेम की शक्ति आपको दृढ़ करेगी, आपको मजबूत करेगी, आपको पाप की तरफ जाने नहीं देगी, आपको गलत संगति में जाने नहीं देगी, आपको गलत तरीके से विचार आपके अंदर आने नहीं देगी। यस, वो शक्ति कौन सी है? उसके आगमन के प्रेम की शक्ति। वो आपको उजागर करेगी, वो दिन भर आपको जगाएगी, वो रात भर आपको जगाएगी वो शक्ति, और वो आपको बताएगी, बनाएगी एक नई सृष्टि में आपको हमेशा रखेगी। वो शक्ति कहां से मिलेगी? जब हम उसके आगमन से प्रेम करेंगे। उसका आगमन, वो आने वाला है, सत्य है,
वो बादलों पर सवार होकर आने वाला सत्य है, हमको लेके जाने वाला है वो सत्य है, और 1000 साल के बाद दूसरे आगमन में हम उसके साथ आएंगे ये भी सत्य है, लेकिन इसके लिए हमें उसके आगमन से प्रेम करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए पहला पत्रस हालेलुया, इसके लिए मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, 2 तिमोथियस 4:8। देखिए इसमें इस मुकुट के बारे में बताया गया है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की है, 2 तिमोथियस 4:8, भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है। ये कौन कह रहा है? पौलुस तिमोथियस से। उसको पता है, वो स्वर्ग का दर्शन करने आया है, वो जानता है प्रभु कौन है, वो जानता है यीशु कौन है, वो जानता है उसकी योजनाएं क्या है, वो जानता है उसकी चेतावनी क्या है, वो जानता है उसका प्रेम क्या है, वो जानता है उसकी वाचा क्या है, वो जानता है पौलुस कि यीशु कौन है, जब वो आएगा तो क्या होगा। इसलिए वो कहता है, उस धार्मिकता को जानता है, इसलिए वो कहता है भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धार्मिकता से न्याय करने वाला है उस दिन मुझे प्रदान करेगा। कैसा विश्वास है, कैसा विश्वास है पौलुस को अपने ऊपर? क्यों विश्वास है? क्योंकि वो उसके आगमन से प्रेम करता है, क्योंकि वो उसके लिए जीता है, क्योंकि उसके वचन के अनुसार वो अपने जीवन को बिताता है, क्योंकि वो उसका इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि उस दिन जिसे प्रभु जो धार्मिकता से न्याय करने वाला है उस दिन मुझे प्रदान करेगा, और न केवल मुझे वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मैंने कईयों को डरते हुए देखा है कि अगर प्रभु आ जाएगा तो क्या होगा, कई मसीहों को, कई पास्टर्स को डरते हैं कि अभी शायद हमसे कुछ पाप हो गया है, शायद हमने कोई गलत बात कह दी है, शायद हम कुछ गलत जीवन जी रहे हैं, अगर वो आ गया तो। मेरे भाई, इसीलिए हम जब उसके आगमन से प्रेम करेंगे तो हम कोई भी बात अपने मन में ऐसी नहीं लाएंगे, कोई भी बात अपनी जबान पर ऐसी नहीं लाएंगे, हमारी जबान शुद्ध होगी। हालेलुया, हमारी जीव शुद्ध होगी, हमारा मन शुद्ध होगा, हम सिर्फ वो बात बोलेंगे जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, हम वो बात कहेंगे जो परमेश्वर की दृष्टि में भला है, हम वही कहेंगे जो उसको पसंद है, हम उसको खुश करेंगे, हम उसकी प्रसन्नता, उसकी खुशी, उसकी इच्छा के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो आएगा और हमें लेके जाएगा। हालेलुया, वो दिन कितना मधुर होगा, दुनिया देखेगी, हर आंख उसे देखेगी, जिसने उसे भेजा वो देखेगी, जब वो यीशु मसीह को स्वर्ग से आते हुए देखेगी, जब हमको बादल पे उठाते हुए जब हमको देखेंगे लोग, तो कहेंगे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हर आंख, हर कैमरे की आंख उस दृश्य को देखेगी और दुनिया हिल जाएगी, ये कौन है, ये लोग कौन है, ये कहां जा रहे हैं। हालेलुया, उस दिन दुनिया जानेगी यीशु कौन है। उस दिन जिन्होंने नहीं जाना है वो रोएंगे, याद है बाइबल क्या कहती है, रोएंगे लोग, विलाप करेंगे। इसलिए यही वक्त है कि हम बता दें कि यीशु मसीह कौन है। इसलिए यही वक्त है मेरे भाई, मेरी बहन, कि आप नहीं जानते तो पश्चाताप करिए, ताकि आप भी उस रोह में लग जाए, ताकि आप भी उस पंक्ति में लग जाए, ताकि आप भी उस नई सृष्टि में आ जाए कि जब यीशु मसीह आएगा तो आपको लेकर जाएगा। हालेलुया, प्लीज प्लीज मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपने नहीं जाना तो अपना जीवन वैसा बिताइए कि यीशु मसीह आएगा और आपको लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उस आगमन से आप प्रेम करिए, उसके आगमन से आप प्रेम करिए, और जब वो आगमन होगा तो पूरा संसार जो अभी तक नहीं जानता है, कई लोग मजाक उड़ाते हैं, कई लोग कहते हैं कि अरे भाई वो कैसे आएगा और हम लोग उठा लिए जाएंगे, हम कैसे उठा लिए जाएंगे। होगा, क्योंकि ये बात मेरे परमेश्वर के मुख से निकली है, ये बात मेरी बाइबल कहती है, ये बात मेरा ईशु कहता है, और ईशु सत्य है, मार्ग है, जीवन है। हालेलुया, इसलिए वो आएगा और हमको लेके जाएगा। इसलिए पहला मुकुट उसको मिलेगा जो उसके आगमन से प्रेम करते हैं। दूसरा मुकुट किसको मिलेगा? हालेलुया, दूसरा मुकुट उसको मिलेगा जो परीक्षा में सब्र रहते हैं। हालेलुया, याकूब की पत्री अगर मैं आपके लिए निकालूं तो आपको पता चलेगा, याकूब की पत्री में 1:12, अगर आपका बाइबल है तो प्लीज उस बाइबल में से आप देखिए 1:12, जो परीक्षा में स्थिर रहता है उसको दूसरा मुकुट मिलेगा। हालेलुया, मैं पहले आपके लिए वचन पढ़ता हूं, उसके बाद हम इस वचन को विस्तार से देखेंगे। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलकर वो जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसे प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को देने की प्रतिज्ञा की है। क्या की है? प्रतिज्ञा की है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। कई लोग परीक्षा में स्थिर नहीं रहते, आजकल कोरोना चल रहा है उसकी वजह से कई लोग स्थिर नहीं है, उसकी वजह से कई लोग दुखी हैं, बीमारियां घरों में आ रही हैं, पास्टर्स बीमार हो रहे हैं, और कई लोग समझते हैं कि पास्टर्स दोषी हैं, मसीह दोषी हैं। नहीं मेरे भाई, ये शरीर है, बीमारी है, आ सकती है, आपको भी आ सकती है, मुझे भी आ सकती है, इसमें कुछ भी बात नहीं है। हम उस परीक्षा में स्थिर रहें,
हम अपने आप को हम मुकम्मल नहीं है, हमें बनाने वाला मुकम्मल है, हम तो शून्य है, हम तो कुछ नहीं है। नई सृष्टि बनने का मतलब यह नहीं कि आप मुकम्मल हो गए, नहीं, आप मुकम्मल है अनंत काल के, जब आप जाएंगे तो महिमा के शरीर के अनुसार आप स्वर्ग में जाएंगे, वो बात सच है, लेकिन जब तक आप धरती पर हैं हम एक शरीर में हैं, और शरीर में बीमारियां भी आएंगी, कठिनाइयां भी आएंगी, दुख भी आएंगे, सदात भी आएंगे, लेकिन हमें विश्वास के संग परमेश्वर के चरणों में रहना है, विश्वास को थामे रहना है, विश्वास के संग जीना है, विश्वास को अपने साथ लेके चलना है, विश्वास की ढाल को अपने हाथों में रखना है, ताकि हम परीक्षाओं में स्थिर रहकर हमारा चरित्र खरा निकल जाए। खरा कब निकलेगा? जब आप स्थिर रहेंगे। याकूब की पत्री 1:3 में आपके लिए दोबारा पढ़ता हूं, 1:2 पढ़ता हूं। हे मेरे भाइयों, जब भी तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। आनंद किस बात का? वो कहता है जब भी तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात समझो? क्योंकि जब परीक्षाएं आएंगी तो मुझ में जो धीरज उत्पन्न होगा, और वो जो धीरज है मुझ में खरा चरित्र लेकर आएगा, और वो खरा चरित्र मुझे सिद्ध करेगा। कब सिद्ध होंगे आप? उन परीक्षाओं के दरमियान। वो परीक्षाएं क्या है? हालेलुया, हो सकता है आपके जीवन से संबंधित हो सकता है आपके रिश्तों से संबंधित हो सकता है आपके शरीर से संबंधित हो सकता है आपकी मिनिस्ट्री से संबंधित हो, लेकिन हमारे पास हर समस्या का, हर दुविधा का, हर दुख का, हर परेशानी का, हर सताव का एक ही जवाब है, और वो जवाब है यीशु मसीह। वो जवाब है यीशु मसीह। कोई भी परीक्षा आ गए, कोई भी हमें सता नहीं सकती, कोई भी हमें निकाल नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। जैसे रोमियो 8:38 हालेलुया क्या कहता है कि निश्चय ही मैं जानता हूं। रोमियो अगर 8:38-39 में आपके लिए पढ़ता हूं तो रोमियो में क्या लिखा हुआ है कि वो कहता है, प्रेज द लॉर्ड, कि कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पूर्ण निश्चय है कि मृत्यु ना जीवन ना स्वर्ग दूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना शक्तियां ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई सजी हुई वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई नहीं कर सकता। अगर आप परीक्षा में हैं, आपकी परीक्षा आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर इन सबसे ऊपर है। यीशु मसीह हर चीज को हरा चुका है। इफिसियों 4:8 पढ़ेंगे तो यीशु मसीह जब ऊपर गया था तो बनवाई की सारी चीजें अपने संग लेकर गया था, मौत पाप और शैतान वो लेकर गया हुआ है। प्रिंस ऑफ व्हाट? और क्या लेकर आया वहां से दान के रूप में? पास्टर्स को, भविष्यवक्ताओं को, प्रेरितों को, टीचर्स को, हालेलुया, चंगाई दाता को, चंगाई करने वालों को। क्यों लेकर आया? ताकि उनके द्वारा हम कलीसिया में स्थिर हो जाएं, हम सिद्ध हो जाएं, सिद्धता के लिए, आपके लिए सिद्धता के लिए परमेश्वर ने चुना है हम दासों को, पास्टरों को, ताकि हम सिद्ध हो जाएं, और सिद्ध बनकर कोई भी परीक्षा हम पर दबाव ना डाल सके, कोई भी परीक्षा हमें कमजोर ना कर सके। इसलिए जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, इसलिए परीक्षा में जो स्थिर रहते हैं, जो सब्र करते हैं, दूसरा मुकुट उनके लिए है। याद है आपको इब्राहिम के बारे में? आपने किस्सा कई बार सुना होगा कि परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा की और इब्राहिम से कहा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दे, उत्पत्ति 22 में। और आप जानिए उस इब्राहिम को, आप उसके मन को जानिए कि 99 साल की एज में उसको उसका पुत्र मिला, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्यार करता है, देखिए स्पेसिफिक परमेश्वर उसे कह रहा है जिससे तू प्रेम करता है, जो इकलौता है उसे तू बलि कर। और इब्राहिम ने एक पल भी नहीं लगाया इब्राहिम। अगर आप पढ़ेंगे तो इब्राहिम जैसी सुबह, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी, रात को आज्ञा दी और सुबह सुबह तड़के उठा, वो अभी अंधेरा ही था, बाइबल बताती है अभी अंधेरा ही था, उसने अपने गधे की काठी को कसना शुरू कर दिया। उसने नौकरों को नहीं उठाया, उसने इसाक को नहीं बोला, उसने सारा को नहीं बोला, नौकरों को नहीं उठाया और उसने गधे की काठी बांधी, लकड़ियां उसमें रखी और सुबह होते, तड़के सुबह होते हुए इसाक को लेकर चला गया मौर्या देश, उस मौर्य पर्वत की तरफ, जहां यहां से उस मौर्य पर्वत का रास्ता 3 दिन का था। आप सोचिए, अगर परमेश्वर ने इसाक को लेना था, उसकी बलि लेनी थी, तो वो किसी भी रूप में ले सकता था। इसाक को बीमार कर सकता था, उसका एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन वो चाहता था कि इब्राहिम इसाक का बलि करे। यही तो परीक्षा थी, यही परीक्षा थी। और मौर्य पर्वत पर जैसे इब्राहिम पहुंचा, उसने क्या किया? वो ऊपर गया,
उसने अपने चेलों से कहा, अपने सेवकों से कहा कि मैं आराधना करने जा रहा हूं, और गया उसने वेदी बनाई और अपने बच्चे के पैर और हाथ बांधे। सोचिए वो दृश्य कैसा होगा। इसाक उस समय उसकी उम्र थी इसाक की 30-32 साल। उस उम्र में इसाक ने ना नहीं किया। आप सोचिए एक बेटा अपने जवान बेटे के पैर बांध रहा है, हाथ बांध रहा है, उसके हाथ में खंजर है और बेटा कुछ नहीं कह रहा है। बेटा कहता है जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर हो। यस लॉर्ड, यही है। ये दोनों परीक्षा दे रहे थे, दोनों इसाक और इब्राहिम दोनों परीक्षा दे रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी कर रहा था और इसाक अपने जमीनी पिता की इच्छा पूरी कर रहा था। यस, वो कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोला, इब्राहिम तो मेरा पिता है। यस, अगर तेरी इच्छा इसी में है कि तू मुझे खंजर मांगे मारे और बलिदान करे, मैं तैयार हूं। हालेलुया। और इब्राहिम क्या कह रहा था, पिता परमेश्वर अगर तेरी यही इच्छा है कि मेरे खंजर से मैं अपने बेटे का बलिदान करूं तो मैं तैयार हूं। सोचिए ये परीक्षा एक सिर्फ इब्राहिम की नहीं थी, इसाक की भी थी। परमेश्वर दोनों को देख रहा था और जैसे ही इब्राहिम ने खंजर उठाया ऊपर से आवाज आई कि बस रुक जा, रुक जा, मत कर, मत खंजर मार। और अगर आप पढ़ेंगे इसको उत्पत्ति 22:16 से 18 के बीच में, तब आपको पता चलेगा कि वो कहता है कि आज तूने वो काम किया है इब्राहिम कि तूने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दे दिया, इसलिए मैं अपनी शपथ खाता हूं, मैं अपनी शपथ खाता हूं कि मैं तुझे बहुतायत से निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा। इब्रानियों 6:14-15 में भी यही लिखा हुआ है कि मैं तुझे निश्चय ही आशीष दूंगा। और उसने आशीष दी। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है इब्रानियों 6:15 में कि इब्राहिम ने सब्र से प्रतीक्षा की उस आशीष की, रिसलॉट, और उसे मुकुट मिला। आप जब जाएंगे स्वर्ग में तो आप देखेंगे कि इब्राहिम को मुकुट मिलेगा, क्योंकि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, क्योंकि वो परीक्षा में खरा निकला, क्योंकि वो परीक्षा में सिद्ध हुआ। मेरे भाई मेरी बहन, हमें सिर्फ यही नहीं सोचना है एक मसीह बनने के नाते कि हमारे जीवन में कौन से चिन्ह चमत्कार होने हैं, हमें क्या मिल रहा है, हमें गाड़ी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हमें रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हमारी सर्विस अच्छी है कि नहीं है, हमारा धंधा अच्छा है कि नहीं है। नहीं है, हमें ये देखना है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, मुझसे पूरी हो, मेरे जीवन से हो, मैं उस परीक्षा में उत्तीर्ण हूं, मैं परीक्षा में सब्र करूं, सिद्ध हो जाऊं और मुकुट पाऊं। हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन, हम मर चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्या कहती है, हम मर चुके हैं, तभी तो हमने बपतिस्मा में हमने पुराना शरीर, अपना पुराना मनुष्य तो मार दिया है, हमें नया मनुष्य तो मिला है। जिस तरीके से यीशु मसीह सिंहासन पर सवार है, अगर आप पढ़ेंगे इफिसियों 2:5-7 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जिस समय जिस तरह यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया और अपने पास बैठाया, उसी तरीके से परमेश्वर ने हमें भी यीशु मसीह के साथ जिलाया और उसके साथ बैठाया। अगर आप इफिसियों 4:5-7 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप आत्मिक रूप में कहां बैठे हैं, आपका स्वर्गीय स्थान कहां पर है, आपको ये पता लगेगा। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हमें जरूरी है कि हम ये जाने हम कौन है। इसलिए परीक्षाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये बीमारियां, ये कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं, एक्सीडेंट की धंधे बंद हो जाना नहीं मेरे भाई, हमें इसके बारे में नहीं सोचना है, हमें तो उस मुकुट के बारे में सोचना है, क्योंकि कोई भी धरती पर ऐसी परीक्षा नहीं है जो हमारे आड़े आए। हेलो, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर सब कुछ हरा चुका है, सब कुछ सहन कर चुका है, अब हमें कुछ नहीं करना मेरे भाई। इसलिए मेरे भाई हमें अभी स्थिर रहना है और उन परीक्षाओं में स्थिर रहना है जो परीक्षाएं आती हैं हमें सिद्ध करने के लिए और हमें उस मुकुट की ओर लेके जाने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा हासिल की है कि वो अपने प्रेम करने वालों के लिए जीवन का मुकुट उनको देगा। हालेलुया। तो ये दूसरा मुकुट हुआ। तीसरा मुकुट ये हुआ कि जो तीसरा मुकुट उनके लिए है जो अपने झुंड की रखवाली करते हैं, अपने झुंड की रखवाली करते हैं। हालेलुया। इसमें पहला पत्रस 5:2-4 के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला पत्रस 5
दो से चार के बीच में मैं आपके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद हम इस विषय पर, इस टॉपिक पर, इस तीसरे मुकुट के इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा। पहला पत्रस, फर्स्ट पीटर 5:2-4, कि अपने मध्य स्थित परमेश्वर के झुंड की रखवाली करो, और ये किसी दबाव से नहीं पर स्वेच्छा से, तथा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुच्छ कमाई के लिए नहीं वरन उत्साह पूर्वक करो। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर प्रभुता ना करो, परंतु अपने झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम अजर महिमा का मुकुट पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। जब वो पैदा होगा, जब वो आएगा अजर, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम अजर महिमा का मुकुट पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। ये लिखा हुआ है। कब पाओगे आप? जब अपने झुंड की रखवाली करोगे। मेरे भाई, आपको याद है, आपको सुसमाचार किस्सा सुनाया था, किसकी वजह से आज आप प्रभु में हैं? याद करिए, हमें भी किसी न किसी भाई को सुसमाचार सुनाना है। हमारे कलीसिया में झुंड है, हमारे कलीसिया में ऐसे कई भाई बहन हैं जो कमजोर हैं, जो अज्ञानी हैं, जो नहीं जानते हैं। हमें उस झुंड की रखवाली करनी है, एक बच्चे की तरह हमें उन्हें पालना है, हमें उन्हें आत्मिक भोजन देना है, हमें उन्हें बताना है कि यीशु मसीह कौन है। प्रेज द लॉर्ड। हमें उनकी परवाह करनी है। अगर वो कमजोर है तो उनको शक्ति देनी है, अगर वो अज्ञानी है उनको ज्ञान देना है, बुद्धि देनी है, समझ देनी है, और प्रभु से प्रार्थना करनी है कि उनको समझ मिले। मेरे भाई, बहुत जरूरी है। अगर आप दिल से और ईमानदारी से अपने झुंड की जो आपके आसपास है उसकी अगर आप रखवाली करते हैं, तो बाइबल कहती है कि आपके लिए मुकुट निश्चित है। स्वर्ग में आपके लिए मुकुट निश्चित है। क्या किया आपने धरती पर? क्यों परमेश्वर ने हमें चुना? क्यों परमेश्वर ने हमें कलीसिया से जोड़ा? क्यों परमेश्वर ने हमारे इर्द गिर्द आत्माओं को रखा? क्या इसलिए कि हम अपने लिए प्रार्थना करें? क्या इसलिए कि हम सुखी रहें, हम दूसरों के लिए ना सोचें? नहीं। बाइबल क्या बताती है और बाइबल का आधार क्या है कि परमेश्वर ने हमको क्यों चुनाया? क्यों चुनाया आपको? बताए आपको क्यों बचाया? ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, इसलिए हमारे आसपास जो झुंड है ना, हमें उसकी रखवाली करनी है, हमें उनको भोजन देना है, हमें उनकी जरूरत को देखना है, हमें देखना है कि वो कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, वो कब संसार में जा रहे हैं, वो कैसे उनको संसार से लाना है। जैसे आपका इकलौता बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा, अगर आपको लेट आता है तो आपको चिंतित हो जाते हैं, कहाँ हो भाई तुम, या वो गलत संगति में जाता है तो आप चिंतित हो जाते हैं, वो कहाँ है? क्यों? क्योंकि कहीं आपके बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो जाए, कहीं आपका बच्चा भटक ना जाए, कहीं बच्चा आपका शैतान की तरफ ना चला जाए। यही सारी बातें आपको अपने झुंड के लिए भी सोचनी है, कि जो आपका झुंड परमेश्वर ने आपको दिया है वो स्थिर रहे, वो बढ़े। जिस तरीके से परमेश्वर ने आपको अगवा दिया है, जिस तरह परमेश्वर ने आपको जो अगवा दिया है, आप उस अगुवे की आवाज को सुनते हैं और वचनों को समझने की कोशिश करके आज आप यहां तक पहुंचे हैं, उसी तरीके से आपको भी एक अगवा बनकर अपने झुंड की रखवाली करनी है, उसकी सेवा करनी है, उसको भोजन देना है। ये बहुत बड़ा काम है, ये काम छोटा नहीं है, ये काम छोटा नहीं है, और इसका प्रतिबल भी बहुत बड़ा है। और प्रतिबल क्या है? मुकुट। वो मुकुट जो परमेश्वर आपको देगा, वो मुकुट जो स्वर्ग में आपको मिलेगा। हालेलुया। तो चौथा मुकुट क्या है? चौथा मुकुट उनके लिए है जो मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे। मृत्यु तक, जैसे आपको चुना है परमेश्वर ने, और मृत्यु होने तक आप विश्वास योग्य रहे। कौन सा विश्वास? कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु गया है और यीशु आने वाला है, यीशु का हर वचन सत्य है, यीशु ही मार्ग है, जीवन है, सत्य है, यीशु ही सब कुछ है, सर्वस्व यीशु है, आदि और अंत यीशु है, अल्फा और ओमेगा यीशु है। यीशु ही है जो इस धरती पर आया मनुष्य का रूप बनकर, यीशु ही है जिसने हमें बलिदान दिया, यीशु ही है जिसने अपनी धार्मिकता हमें दी, यीशु ही है जिसने अपनी आत्मा हमें दी, यीशु ही है जो हमारे अंदर रहता है, यीशु ही है जो हमें उठा के लेके जाएगा, यीशु ही है जो हमें इस धरती पर स्थिर करने के लिए अपनी आत्मा को हमारे अंदर उड़ेलता है। यीशु ही है और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। इसलिए ये वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा हुआ है। जब वो सुमरन की कलीसिया को बोलता है, वो दूत बोलता है सुमरन की कलीसिया को, उसका 10वां, जो कलेश तू सहने पर है उनसे ना डर। प्लीज, हम कब विश्वास कर सकते हैं यीशु मसीह का? हम कब उसके आने का विश्वास कर सकते हैं? हम कब मृत्यु तक उसके विश्वास में रह सकते हैं? जब तक डरेंगे नहीं। शैतान डराएगा, कई चीजें आपके जीवन में आएंगी,
कई ऐसे मोड़ आएंगे, कई ऐसी स्टेजेस आएंगे जब आपको डराएगा, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा विश्वास कमजोर ना हो, हमारा विश्वास कमजोर ना हो। हालेलुया, इसलिए वो कहता है जो कलेश तू सहने पर है उनसे ना डर। देखो शैतान तुम में से कितनों को बंदी गृह में डालने पर है कि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना पड़ेगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। यह है प्रतिपल, प्राण देने तक, अंतिम समय तक आपका विश्वास रोज बढ़ना चाहिए। हमारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए, हमारा रोज विश्वास बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से तिमोथियस को उसने लिखा है, इफिसियस को लिखा है कि तुम जब परमेश्वर से प्रेम करो तो ज्ञान और सिद्धता के संग प्रेम करो। हालेलुया, मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक इफिसियों की पत्री में, मैं आपको पढ़कर बताता हूं उसमें कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें लिखा हुआ कि परमेश्वर ने हमने कैसे प्राप्त किया, 8वां अगर देखेंगे एफिसियों 1:8, जिसे उसने समस्त ज्ञान और समझ से हमें बहुत आय से दिया है। हमें जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है वो समस्त ज्ञान, उसको ज्ञान था, ऐसे नहीं दे दिया उसने आपको देखकर। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए वो कहता है कि तुम भी जब प्रेम करो तो अपने पूरे ज्ञान के साथ प्रेम करो, अपने समझ के संग प्रेम करो यीशु मसीह को। जब तुम समझ के संग प्रेम करोगे, तुम जानो ये नहीं कि मेरी बहन ने, मेरे भाई ने, मेरे हालेलुया, जब तुम हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए वो कहता है कि तुम सही हालेलुया, माफ कीजिएगा, समझ के संग प्रेम करना है हमें। जब हम समझ के संग प्रेम करेंगे तो हमारा विश्वास दृढ़ता के संग रहेगा। जब हम समझ के संग प्रेम करेंगे तो हम पूरे जीवन में कभी भी डगमगाएंगे नहीं। तो जो चौथा मुकुट है वो उनको मिलेगा जो मृत्यु तक विश्वास में बने रहेंगे। पांचवा मुकुट उनके लिए मुकुट जो आत्माओं को जीतते हैं। हालेलुया, आत्माओं को जीतते हैं। पहला थिस्सलुनीको 2:19-20 हम इसके लिए पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीको 2:19-20। हालेलुया, जो आत्माओं को जीतते हैं, पहला थिस्सलुनीको 2:19-20 पढ़िए, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। भला हमारी आशा या आनंद या उल्लास का मुकुट कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय उसके समझ क्या तुम ही ना होगे? तुम ही हमारी महिमा और आनंद हो। भला हमारी आशा या आनंद या उल्लास का मुकुट कौन है? कौन है? जिन आत्माओं को उसने जीता है, पौलुस ने जिन आत्माओं को थिस्सलुनीको में जीता था, क्योंकि थिस्सलुनीको जो कलीसिया है उसको वहां पर 3 हफ्ते उसने प्रचार किया, 3 शब्द के दिन पौलुस ने प्रचार किया और वहां पर एक कलीसिया का निर्माण हुआ, कलीसिया स्थापित हुई। तो वही कहता है कि मैंने तुम लोगों को जीता है, मैंने तुम लोगों को जीता है। हालेलुया, भला हमारी आशा या आनंद या उल्लास का मुकुट कौन है? कौन है? जिनको मैंने जीता है, वो आत्माओं को जीता है। जिन आत्माओं को जीता है उस के लिए, हालेलुया, तो उनके लिए मुकुट जो आत्माओं को जीतते हैं, आत्माओं को, और सिर्फ आत्माओं को उसने जीता ही नहीं है। देखिए, हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम किसी को सुसमाचार सुनाएंगे और वो अगर चर्च में आ गया तो आत्मा का जीता हुआ। वेरी गुड, फर्स्ट स्टेप बिल्कुल ठीक है कि आप उसको सुसमाचार सुनाइए और चर्च में लेकर आइए, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है। उस आत्मा को हमें पूरी तरह से प्रभु में लाना है, पूरी तरीके से उसको बताना है। मुझे नया भाई आएगा या नई बहन आएगी, वो हो सकता है कुछ दिनों के बाद शैतान उसे बहकाए, हो सकता है कुछ बीमारी आ जाए उसके जीवन में, उसको संकट आ जाए, हो सकता है उसकी जो इच्छाएं हैं वो इमीडिएट पूरी ना हो रही हों, तो वो पीछे जा सकता है। लेकिन हमारा फर्ज क्या है, क्योंकि हम उसे परमेश्वर के चरणों में लेके आए, तो हमारा फर्ज क्या है कि हम उसे पूरी ईमानदारी के साथ एक बच्चे की तरह उसे संभालें, उसे बताएं
कि प्रभु कौन है, जीवन कौन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का आना क्या है, परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजनाएं क्या है, परमेश्वर का प्यार क्या है, यीशु का प्यार क्या है, मेरे भाई ये चीजें हमें डालनी पड़ेंगी उसके अंदर, और ये हमें अपने अंदर भी रोज बढ़ानी पड़ेंगी। हम उसके प्यार को रोज समझें, रोज जाने, तो हम उस आशीष को पाएंगे। तो पांचवा मुकुट क्या है, उनके लिए है जो आत्माओं को जीतते हैं। छठा बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकुट है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, उनके लिए मुकुट जो पुराने स्वभाव पर प्रभावी होते हैं, उनको मिलेगा मुकुट। पहला कुरिन्थियन 9:24-25 अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो आपको पता चलेगा, पहला कुरिन्थियन 9 कि यह मुकुट क्या कहता है कि पहला जो पुराना स्वभाव है उसको हम नए स्वभाव में प्रभावी ना होने दें, जो नहीं होने देंगे उनको वो मुकुट मिलेगा। हालेलुया, इसलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं 1 कुरिन्थियन 9:24-25, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं परंतु पुरस्कार केवल एक ही को मिलता है। तुम इस प्रकार दौड़ो कि जीत सको। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी सभी प्रकार का संयम रखता है, वो तो नष्ट होने वाले मुकुट की प्राप्ति के लिए ये सब करता है परंतु हम नष्ट ना होने वाले मुकुट के लिए करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, यानी कि पुराना प्रभाव, पुराना स्वभाव हमारे अंदर प्रकट ना हो। यीशु मसीह ने क्या कहा था उत्पत्ति 1:26 में, आओ हम इन्हें अपनी समानता अपने स्वरूप में रचाएं। एक नई सृष्टि के बाद यीशु मसीह जो हमें मिला, यीशु मसीह जी ने जब हमें शुद्ध किया, यीशु मसीह के लहू से जब हम शुद्ध हुए तो हम उसके स्वभाव में आ गए, उसकी समानता में आ गए। अब हमें उसकी समानता में रहना है, उसके स्वभाव में रहना है, इसलिए हमें पुराने स्वभाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। वो स्वार्थ, वो लालच, वो हत्यापन, वो व्यभिचार, वो कामुकता, वो गंदगी, हमें उसको अपने अंदर नहीं आने देना है। शैतान चाहेगा कि वो गंदगी, वो स्वार्थ, वो लालच आपके अंदर आए, लेकिन नहीं, हमें उसको निकालना है, हमें उसको हटाना है। इसलिए हमें अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचना है। अगर मैं आपको फिलिपियों की पत्री के बारे में बताऊं, फिलिपियों 4:8 अगर आप पढ़ेंगे तो हमें कैसे रहना है। देखिए, कई बार सोचता है इंसान कि हम कैसे रहें, हम कैसे रह सकते हैं इस नई सृष्टि में, हम पुराने स्वभाव को कैसे छोड़ें। तो मैं आपको बताता हूं उसका 8वां अध्याय। भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें न्याय संगत हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें मनोहर हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो जो उत्तम तथा प्रशंसनीय गुण हैं, उन्हीं का ध्यान किया करो। फिलिपियों 4:8 पढ़िए आप। जो जो बातें सत्य हैं, आप जो देखते हैं सत्य है, उसी को अनुसरण करिए। जो बातें प्रसरणीय हैं, जो मनोहर हैं, जो पवित्र हैं, उन्हीं बातों का मुझे अनुसरण करना है, तभी आप उन स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान लगाएंगे, तभी आप अपने पुराने स्वभाव को अपने ऊपर आने से रोक सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियन 10:5 कहता है कि जो विचार, जो गलत विचार आपके अंदर आते हैं, जो गलत विचार परमेश्वर के विरुद्ध हैं, जो आपके अंदर आते हैं, उनको आप यीशु मसीह के चरणों में उसका गुलाम बना दीजिए। मैं आपके लिए पढ़ता हूं दूसरा कुरिन्थियन 10:5। हालेलुया, क्या लिखा हुआ है, हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली कल्पनाओं और प्रत्येक अवरोध का खंडन करते हैं और प्रत्येक विचार को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इसलिए कोई भी गलत विचार अगर आपके अंदर आता है, कोई पुराना प्रभाव, पुराना स्वभाव आपके अंदर आता है, उसको आप बंदी बनाइए और यीशु मसीह का गुलाम बना दीजिए। आपके पास वो अधिकार दिया है परमेश्वर ने, इसलिए हमें पुराने स्वभाव को अपने ऊपर आने नहीं देना है। हालेलुया, तो ये 6 मुकुट है जो आपने देखे कि पहला मुकुट कौन सा था, उनके लिए है जिन जो परमेश्वर के आगमन से प्रेम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आपने देखा कि हमें परमेश्वर के प्रेम से, आगमन से प्रेम करना है। दूसरा मुकुट किसको मिला है, जो परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, जो सब्र करते हैं परीक्षाओं में, उनको दूसरा मुकुट मिलता है, मिलेगा। हालेलुया, और तीसरा मुकुट जो झुंड की रखवाली करते हैं, जो झुंड आपके आसपास है, जो कलीसिया में है, जो आपके भाई आपकी बहन है, जो कमजोर है, जो अविश्वासी है, जो कमजोर है, जो विश्वास में कमजोर है, जो बाइबल के ज्ञान में कमजोर है, उनकी हमें रखवाली करनी है। हालेलुया, चौथा जो मृत्यु तक विश्वास में रहते हैं, पांचवा उनको मिलेगा मुकुट जो आत्माओं को जीतते हैं, जिनको आत्माओं को जीतने की धुन थी, जैसे पौलुस को, पत्रस को, यूहन्ना को, आत्माओं को जीतने की धुन थी। वो मार काटते थे, कोड़े खाते थे, लेकिन आत्माओं को जीतते थे। हालेलुया, और छठा उनको मुकुट मिलेगा जो पुराने स्वभाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, उनको मुकुट मिलेगा।
इसलिए मेरे भाई ये 6 मुकुट आपके लिए स्वर्ग में रखे हुए हैं। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मुकुट प्राप्त करेंगे। 6 के 6 भी आप हासिल कर सकते हैं। हालेलुया, आप में वो स्थिरता, आप में वो जोश, आप में वो प्यार, आप में वो विश्वास यीशु के लिए हम हो और परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ हमें वो जीवन जीना है कि हमें मुकुट प्राप्त करना है। सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं है, हमें स्वर्ग जाके मुकुट प्राप्त करना है। और ये ध्येय अगर आपके अंदर है और अगर आपके अंदर ये आशा है, आपका ये लक्ष्य है कि मुझे मुकुट प्राप्त करना है, उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए आपको इस धरती पर वो जीवन जीना है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ इसका वचन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको जीवन देगा। इसलिए अगर आपको ये वचन अच्छा लगा तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, यस ये वचन मेरे लिए था और मैं मुकुट हासिल करूँगा, मैं मुकुट हासिल करूँगा। अपने आप को अंगीकार करिए, प्रभु आपको आशीष देगा। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में। अद्भुत शिफा है परमेश्वर, धन्यवाद। यस लॉर्ड, आपका वचन अद्भुत है, दोधारी तलवार की तरह है परमेश्वर। यस लॉर्ड, हमें बचाइए, हमें बचाइए परमेश्वर, हमें बुद्धि ज्ञान और समझ से भरिए। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, सुख और चंगाई मांगता हूँ, आपकी कृपा दृष्टि मांगता हूँ। दयालु पिता दया करिए, दया करिए सुनने वाले हर भाई बहन के लिए, ये वचन उनके जीवन में काम करें और आपका आशीष मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना आपने सुनने को कबूल की। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। 30 अप्रैल तक है, कुछ और वीडियोस को आपके सामने लेकर आऊंगा। प्रार्थना में रहिए और मेरे लिए प्रार्थना करिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।